नेक्स्ट नाइन न्यूज, मैं हूँ आपकी होस्ट चित्रा। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के खास प्रोग्राम दबंग खान शो में। दबंग खान शो में जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सलमान खान के बारे में बात करते हैं। सलमान खान इन दिनों क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं सलमान, इसी तरह की तमाम बातें हम आप सभी को बताते हैं। तो आज हम कुछ खास बातें आप सभी को बताना चाहेंगे। दरअसल जैसा कि सब जानते हैं कि सलमान इन दिनों अपने जीजा आयुष शर्मा को फिल्म लव रात्रि से लॉन्च कर रहे हैं। लव रात्रि आयुष को ऐसे ही नहीं मिली, इससे 4 साल पहले आयुष ने सलमान से एक्टिंग की बारीकियां सीखी थी, जिसके बाद ही सलमान ने आयुष को लॉन्च करने का फैसला किया। जहां सलमान आयुष के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो वहीं बता दे आयुष तो सलमान को कुछ मानते ही नहीं है। जी हां, दरअसल जब हाल ही में उनसे पूछा गया कि उनके फेवरेट स्टार कौन है, तो आयुष ने शाहरुख खान से लेकर गोविंदा तक का नाम बोल दिया, लेकिन सलमान का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। तो वहीं अब कहीं ना कहीं अर्पिता जो है आयुष की पत्नी और सलमान की बहन, वो कहीं ना कहीं इस बात पर बेहद नाराज जरूर होंगी और आयुष शर्मा को इस बात के लिए डांट भी जरूर पड़ेगी कि उन्होंने जहां उनके भाई उनके लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो वहीं आयुष ने एक बार भी सलमान का नाम नहीं लिया कि उन्होंने उनकी काफ़ी मदद की है या फिर वो सलमान से ही एक्टिंग के गुण सीख रहे हैं, बावजूद इसके उन्होंने सलमान के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस खास प्रोग्राम में कि क्या कुछ कहते हैं आयुष शर्मा अपनी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, साथ ही अपने डेब्यू को लेकर। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जो अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं, इस बात से हर इंसान वाकिफ है कि जब भी कोई मुसीबत में फंसा होता है तो सलमान खान उस शख्स की मदद हमेशा करते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। इतना ही नहीं, अक्सर ही सलमान को बॉलीवुड में सितारों को लॉन्च करते ही देखा जाता है। गौर किया जाए तो सलमान ने बॉलीवुड को कई ऐसे नए चेहरे दिए हैं जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। अगर बात की जाए उनके जीजा आयुष शर्मा के बारे में, सलमान खान की बहन अर्पिता खान के पति आयुष इन दिनों अपनी फिल्म लव रात्रि को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। यह फिल्म सलमान के प्रोडक्शन हाउस तले बन रही है। तो वही बता दे, इस फिल्म से सलमान अपने जीजा को लॉन्च कर रहे हैं। वही सलमान आयुष को ऐसे ही बॉलीवुड में लॉन्च नहीं कर रही है, बल्कि इससे पहले सालों तक सलमान से आयुष ने एक्टिंग की बारीकियां सीखी हैं। तभी जाकर सलमान की सहमति से उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन बता दें कि यहां तो आयुष शर्मा सलमान खान को कुछ मानते ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और उनसे ज्यादा तो वो एक्टर शाहरुख खान को मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप सभी को कि आयुष शर्मा सलमान खान के बजाय शाहरुख खान को ज्यादा पसंद करते हैं। दरअसल बता दें आप सभी को कि सलमान जल्द ही अपनी बहन के पति आयुष शर्मा को लॉन्च करने जा रही हैं फिल्म लव रात्रि से। सुपरस्टार सलमान खान ने अपने ही होम प्रोडक्शन के अंडर में यह फिल्म बनाई है। इस फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और लोगों को पसंद भी आया है। इस फिल्म में आयुष के साथ वरीना हुसैन रोमांस करेंगी। फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला कर रही हैं और यह उनकी बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म है। वैसे सलमान के जीजा आयुष शर्मा को भले ही लॉन्च कर रहे हो, लेकिन आयुष के पसंदीदा एक्टर भाईजान नहीं बल्कि कोई और ही है। बता दें सलमान के प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म की यह 5वीं फिल्म है। इससे पहले ही वे बजरंगी भाईजान और ट्यूबलाइट जैसी फिल्में भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। अभिराज मीनावाला पहली बार फिल्म निर्देशित करेंगे। सलमान खान के साथ उन्होंने फिल्म सुल्तान में सहायक निर्देशक का काम किया था। फीमेल लीड की तलाश जारी है। बता दें सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता के पति आयुष शर्मा को यूं ही मौका नहीं दिया है। डेब्यू से पहले 4 साल तक आयुष ने सलमान ने एक्टिंग की बारीकियां सीखी हैं। इसके बाद भाईजान ने उन्हें फिल्मों में लॉन्च करने का मन बनाया। सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रही फिल्म लव रात्रि एक लव स्टोरी है। आयुष शर्मा फिलहाल इसके प्रमोशन में बिजी हैं। प्रमोशन के दौरान जब आयुष से पूछा गया कि उनके फेवरेट सितारे कौन कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि वह बॉलीवुड के किंग खान
शाहरुख खान और गोविंदा की बहुत ही ज्यादा बड़े प्रशंसक हैं। आयुष ने सलमान का तो नाम ही नहीं लिया, इस बात पर हर किसी को हैरानी जरूर होगी और कहीं ना कहीं उनकी पत्नी अर्पिता भी इस बात से नाराज जरूर होगी कि आयुष उनके भाई को पसंद नहीं करते हैं बल्कि शाहरुख खान उनके चहेते स्टार्स हैं। वेल बता दें, इसी के साथ आयुष कहते हैं कि दिल्ली का होने के नाते वो शाहरुख के बहुत ही बड़े फैन रहे हैं क्योंकि दिल्ली और शाहरुख खान साथ साथ दिमाग में आते हैं। शाहरुख खान दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें उनकी फिल्में देखना पसंद है। उन्हें एक्शन से लेकर कॉमेडी हर तरह की फिल्में पसंद है। वे गोविंदा सर के भी बहुत बड़े प्रशंसक हैं। आयुष कहते हैं कि भले ही लोग आजकल हॉलीवुड की तरफ जा रही हो लेकिन वो हॉलीवुड से ज्यादा बॉलीवुड को तरजीह देते हैं। बता दें दोस्तों कि उनकी एक फिल्म गुजराती बैकग्राउंड पर आधारित होने वाली है। फिल्म में वरीना हुसैन के साथ रोमांस करते नजर आएंगे अर्पिता के पति आयुष शर्मा, लेकिन इन दिनों उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उससे तो हर कोई हैरान रह गया कि वाकई आयुष सलमान से ज्यादा शाहरुख और गोविंदा को चाहते हैं। अब इस बात से कहीं ना कहीं सलमान को परेशानी तो जरूर होगी कि अपने जिन जीजू के वो करियर बनाने पर लगे हुए हैं उनके वो जीजू उन्हें तो पसंद ही नहीं करते हैं बल्कि उनके को स्टार रह चुके शाहरुख और गोविंदा को पसंद करते हैं आयुष शर्मा। वेल दोस्तों, अगर बात की जाए इसके अलावा तो बता दें कि जल्द ही फिल्म नवरात्रि बड़े पर्दे पर आने वाली है और फिल्म का ट्रेलर दर्शकों द्वारा बेहद ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अब जहां आयुष शर्मा ने 4 साल तक सलमान से एक्टिंग की बारीकियां सीखी, जहां सलमान को देखकर ही वो बॉलीवुड में आने वाले हैं, वहीं इस दौरान उन्होंने सलमान का कहीं नाम ही नहीं लिया जो काफी हैरान करने वाला है। हालांकि अगर देखा जाए तो आयुष सलमान की बेहद इज्जत करते हैं और ये बात कहने की जरूरत नहीं है। जब भी इनसे कभी बात की जाती है सलमान के बारे में तो हमेशा ही वो उन्हें काफी इज्जत देकर बात करते हैं और यही बात जाहिर करती है कि आयुष शर्मा सलमान को बेहद बहुत ही ज्यादा कुछ मानते हैं, भले ही वो इस बात को जाहिर ना करें। वेल, अगर बात की जाए इसके अलावा तो बता दे कि आयुष जल्द ही फिल्म नवरात्रि से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं और उनके साथ नजर आने वाली हैं एक्ट्रेस वरीना हुसैन। दोनों ही स्टार्स उस फिल्म में रोमांस करते नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म नवरात्रि भी रिलीज से पहले विवादों में आ चुकी है। लेकिन जहां है सलमान वहां परेशानी की क्या है बात, यानी सलमान आयुष को एक खास तौर पर लॉन्च करने वाले हैं तो देखना ये मजेदार होगा कि लव रात्रि कैसी साबित होती है और दर्शक सलमान के जीजा आयुष को कितना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।